हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के बाद तेजस्वी को मिला कलर्स का ही शो नागिन, नागिन का छठा सीजन। और कहते हैं कि अगर कोई नागिन बन जाए तो उसकी किस्मत पलट जाती है, लेकिन इस बार तो एकता कपूर ने नागिन पर इतना बड़ा दाव खेला है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे महंगा नागिन का होगा छठा सीजन। एकता कपूर ने करोड़ों का दाव खेला है नागिन 6 पर। क्या है पूरी खबर आपको बताऊंगी, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें। दोस्तों, एकता कपूर नागिन 6 जिस बजट में बना रही हैं, उस बजट में वो पूरी एक फिल्म बना सकती थी, और लोगों ने एकता को ये बोला भी। एकता ने खुद बताया है कि एकता ने इस साल नागिन पर सबसे बड़ा दाव इसलिए खेला है क्योंकि ये नागिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल नागिन फ्लॉप हुआ तो एकता कपूर नागिन की फ्रेंचाइजी को, नागिन को बंद कर देंगी। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि एकता कपूर इस पर 130 करोड़ रुपए लगा रही हैं। सही सुना आपने, 130 करोड़। दैट इज वे टू हाई। एकता ने यह भी कहा है कि या तो वो जो भी करेंगी बड़े लेवल पर करेंगी या फिर नहीं करेंगी, और इस शो के पूरे का पूरा जो प्रेशर है हिट होने का, वो तेजस्वी प्रकाश जो लीड एक्ट्रेस हैं उनके कंधे पर है। जी हाँ, इस बार का नागिन काफी ग्रैंड और काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाला है। शानदार आपको GFX देखने को मिलने वाले हैं, और जिस बजट में, यानी कि 130 करोड़ के बजट में एकता नागिन बनाने का जब फैसला ले रही थी, तब लोगों ने उनको फिल्म बनाने की राय दी, लेकिन उन्होंने नागिन 6 को बड़े बजट का शो बनाने का फैसला लिया, क्योंकि इस बार नागिन 6 में आपको काफी ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या तैयार हैं आप एकता की सबसे महंगी नागिन के लिए? क्योंकि इस बार नहीं तो कभी भी नहीं। जैसा रूबीना ने भी कहा था कि असली जिम्मेदारी अब कंधों पर आती है, तो तेजस्वी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नागिन फ्रेंचाइजी का आगे चलना या बंद होना। नागिन सीजन 7 का आना ना आना तेजस्वी के कंधों पर है। क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।